एक क्लर्क का पद और क्या नाम है दूसरा ऑर्डरली का पद, जिसपे सबसे ज्यादा लड़कों ने फॉर्म भरा और उसमें 4,10,000 बच्चों का जो है फॉर्म कैंसिल कर दिया, जिसमें 2,28,000 तो सिर्फ प्यून का वाला था, ऑर्डरली वाला। इतने बच्चों का एक साथ फॉर्म कैंसिल होना और उसकी सूचना 1.25 साल बाद देना या 1.5 साल समझ लिए बाद देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है सिविल कोर्ट के ऊपर। अगर किसी का फीस नहीं जमा है तो फीस जमा कर देगा, कोई किसी का सिग्नेचर छूट गया, किसी सब में लिखा हुआ है फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, तो जहां जहां गलतियां उभर लें सुधारने का मौका ना देना, बल्कि 1.5 साल बाद बताना, तो ये तो आप सबके दायरे में आ जाएंगे ना। सिविल कोर्ट दे दे बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो प्रयास करूंगा कि इस 2 महीने में रेगुलर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो वो हमारी गार्जियन है तो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और निश्चित रूप से उसका कोई नुकसान तो है नहीं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि अच्छे लड़के हमारे पास काम करने के लिए आए। जहां पे 5 जून को सरकार बन जाएगी तो जून के फर्स्ट वीक के बाद से इनका काउंटडाउन को शुरू करना पड़ेगा और एग्जाम जल्दी से जल्दी इनको लेना पड़ेगा। दोस्तों रहमानसु सर के वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देख लिए, जो बिहार सिविल कोर्ट पर रहमानसु सर क्या बोले, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा प्यून और कलर का, क्योंकि स्टेनोग्राफर कोटेटर का पीटी भी हो गया, एमएस भी एग्जाम हो गया और प्यून और कलर का एग्जाम के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। दूसरी बात है जो प्यून में 2,28,020 स्टूडेंट को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, वो भी 1.5 साल बाद, इससे पहले भी आप बता सकते थे, अगर पेमेंट स्टूडेंट के नहीं हुआ था पेमेंट फिर से स्टूडेंट कर देगा, मौका दीजिए। अगर कोई कारण से फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, इतना इतना फॉर्म आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी 1.5 साल बाद, स्टूडेंट पूरी तैयारी कर चुका है एग्जाम का, स्टूडेंट चाह रहा है जो हमारा एग्जाम कब होगा, उसके बाद आप फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। तो लगातार कल बातचीत हुई है रहमानसु सर से और जो भी सिविल कोर्ट पर वीडियो बना रहे हैं सभी से बातचीत लगातार किया जा रहा है, एक दिन हम लोग टाइम रखेंगे और उस दिन ट्विटर कैंपेन करेंगे और लगातार हम लोग को डिमांड रहेगा ये स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल बाद आप फॉर्म रिजेक्ट किए, इतना इतना फॉर्म रिजेक्ट किया है, स्टूडेंट कहाँ जाएगा सो बताइए। तो इसी को लेके रहमानसु सर से कल बातचीत हुई है, उसके बाद रहमानसु सर बिहार सिविल कोर्ट पर अपडेट दिए। मेरा वीडियो देख लीजिए, लगभग 5 से 6 दिन बाद हम आपको वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जब तक अपडेट नहीं आती है तब तक हम आपको वीडियो बना के अपडेट नहीं करते। तो कल बातचीत हुई है रहमानसु सर से, उसके बाद रहमानसु सर बिहार सिविल कोर्ट पर अपडेट दिए हैं और बोले हैं आप भी एक वीडियो बनाइए और बताइए सर ये स्टूडेंट को, लगातार हम लोग का मांग है जो 2,28,020 स्टूडेंट को फॉर्म जो रिजेक्ट किए हैं वह फिर से वो सभी स्टूडेंट को मौका दीजिए और सभी स्टूडेंट फिर से जो है 15 दिन 20 दिन आप मौका दीजिए और उसके बाद सभी स्टूडेंट फिर से फॉर्म सही कर लेगा, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट कर लेगा, अगर कोई कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, इतना इतना फॉर्म आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लेके हम लोग को जो है लगातार मांग जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हाँ आप बात करते हैं एग्जाम कब होगा, तो पहले भी हम आपको बता दिए हैं एग्जाम 4 जून का आपको रिजल्ट है जो अभी लोकसभा का चुनाव है उसका, क्योंकि लास्ट आपको चरण 7वां चरण आपको 1 जून को है और 4 जून का आपको रिजल्ट है, तो उसके बाद जून से जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होगा सिविल कोर्ट का और इस बीच में लगातार हम लोग को मांग रहेगा जो स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ उस सभी स्टूडेंट के फॉर्म को दोबारा आवेदन करने के लिए मौका दिया जाए, इसके लिए हम लोग को ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा करेंगे, अगर मेल करना पड़ेगा तो मेल करेंगे, क्योंकि सभी लोग से बातचीत किया जा रहा है, जो भी सिविल कोर्ट पर वीडियो बना रहे हैं जो भी सिविल कोर्ट पर अपडेट दे रहे हैं वे सभी से बातचीत किया जा रहा है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं सिविल कोर्ट से जो आप प्यून को प्यून में जितना स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट किए हैं उन लोगों को मौका दोबारा दिया जाए, क्योंकि इतना फॉर्म आप रिजेक्ट किए कम फॉर्म नहीं है, बताइए 2,28,020 स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट किए वो भी 1.5 साल बाद आप रिजेक्ट किए, तो इसीलिए दोबारा उन लोगों को मौका दिया जाए और जल्द से जल्द एग्जाम के लिए आप नोटिस जारी किए। दोस्तों अभी जो अपडेट निकल के आई है वही हम अपडेट आपके बीच शेयर की, क्योंकि जल्दी हम वीडियो बनाते नहीं, जब तक अपडेट नहीं आती है तब तक हम आपको वीडियो नहीं बनाते, लगातार बातचीत अभी हम लोग को 3-4 रोज से जारी है सिविल कोर्ट को लेके, जो प्यून और कलर्क में जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे उन लोग से भी हम लोग कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक दिन ट्विटर कैंपेन करेंगे और सभी स्टूडेंट को ट्विटर कैंपेन करना है, ताकि सभी स्टूडेंट जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन लोग को दोबारा मौका दिया जाए और सभी से हम लोग जो है संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक दिन हम लोग करेंगे और इतना ट्विटर कैंपेन होगा रीट्वीट इतना होगा ताकि ट्रेंडिंग में आ जाए। तो दोस्तों यही अपडेट निकल के आई थी सिविल कोर्ट के बारे में एग्जाम को लेके और रिजेक्ट फॉर्म को लेके, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए।
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही सिविल कोड के बारे में एग्जाम के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जागरूक होगा। और जिस दिन ट्विटर कैंपेन रखेंगे सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर ट्विटर करेंगे, इतना ट्वीट कीजिए ताकि सिविल कोड के पास पहुंचे और सिविल कोड भी इस पर ध्यान दे और स्टूडेंट को फिर दोबारा फॉर्म फिलअप करने का मौका दे, एडिट करने का मौका दे, ताकि 228,000 स्टूडेंट जो वंचित रह गए उन लोगों को फिर से दोबारा मौका मिले। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप हमारे साथ है, रामांशु सर के साथ है या नहीं है। थैंक यू।